अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एनके फूड्स। आज हम बनाएंगे ठंडी और बहुत ही मज़ेदार दूध की बोतल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध की बोतल बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 2.5 लीटर दूध डालकर दूध में बॉयल आने तक पकाएंगे। दूध में बॉयल आने के बाद स्पैचुला चलाते हुए दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब शामिल करेंगे 4 अदद छोटी इलायची, आधा पाव खोया और 1 कप चीनी डालकर स्पैचुला चलाते हुए मजीद 15 से 20 मिनट तक और पकाएंगे। पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा दूध डालकर हल करेंगे। और स्पैचुला चलाते हुए दूध में शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। दूध पक चुका है। अब दूध को चूल्हे पर से हटाकर सारी इलायची निकाल लेंगे। इलायची निकालने के बाद शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ते डालकर मिक्स करेंगे और स्पैचुला चलाते हुए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब दूध को बोतल में भरेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। दूध बोतल में भर लिया है। अब बोतल को फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार ठंडी दूध की बोतल तैयार है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।